फ्रेंड्स, मैं हूं संचिता और आज जो गीत हम सीखेंगे वो है केएल सहगल जी की आवाज में 1942 की फिल्म भक्त सूरदास से लिया गया है ये गीत, और लिरिक्स लिखे हैं डीएन मधोक जी ने और म्यूजिक दी है ज्ञान दत्त जी ने। तो आइए सीखें और जानें किस राग पर आधारित है, कौन सी ताल बज रही है इस गीत में, और नोटेशंस सीखेंगे इस गीत के। इस गीत में केएल सहगल जी के बेस नोट्स जो हैं, मंद्र सप्तक के नोट्स सुनने लायक हैं। बहुत ही मधुर गीत है और बहुत ही सुंदर गाया भी गया है। आइए सीखें इस गीत को। ये गीत राग दरबारी कानड़ा पर बेस्ड है और जो ताल बज रही है इस गीत में वो है ताल कहरवा। आइए सीखें इस गीत के नोटेशंस। तानपुरा है ए शार्प स्केल पर सा प, नैन हीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं नैन हीन को, नैन हीन को निशानी रे 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 राह सारे गमरे दिखा प्रभु, सानी धनी नी रे रे सा। ध पे नी का ग्रेस नोट या कर्ण स्वर है, नी को टच करके गाना है। देखा निध प्रभु, सेकेंड टाइम देखा प्रभु सा सा सा, पग पग ठोकर सारे मे प से रे की मीड़ है। मीड़ का मतलब होता है प से रे, आपको जाना है बिना रुके लेकिन बीच के सभी स्वरों को छूते हुए। इस राग में आपको बहुत गमक और मीड़ मॉड्यूलेशंस और इस तरह की मीड़ दिखाई देगी। पग पग ठोकर रे, यही है मीर। खाऊं रे म पनी प, नी से प की मीर इस राग में बहुत ही सुंदर लगती है। रे म पनी प खाऊं मैं म ग ग रे सा, म ग ग ग रे सा, पग पग ठो कर खाऊं मैं। ग पे आंदोलन करना है, मैं नैनहीन को। इस राग पे बने गीतों का चलन मंद्र सप्तक यानी लोअर ऑक्टेव और मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव पे ज्यादा होता है, इसलिए नीचे के स्वर और बीच के स्वर ज्यादा दिखाई देंगे। कुछ तार सप्तक के स्वर स्टैंजा में दिखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, यहाँ देखिए तार सप्तक के सा से म तक की मीड़ है। तुम्हारी नगरिया की प प प प प ध म म कठिन पधनी डगरिया, धनी सामा। इस गीत में आपको बहुत मीड़ और गमक यानी इस तरह के मॉड्यूलेशंस ऑसिलेशंस दिखेंगे। तो यहाँ आपको सा पे हिलाना है सा को। डगरिया, सेकेंड टाइम वेरिएशन है। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया सानी, चलत चलत गिर जाओ
सेकंड स्टैंजा की ट्यून बहुत डिफरेंट है। यह है मध्य सप्तक से, मिडिल ऑक्टेव से अपर ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव में, यानी तार सप्तक पे। मिडिल ऑक्टेव के रे से आपको तार सप्तक के रे तक जाना है। रे रे चहूर मेरे घोर अंधेरा, भूल ना जाऊं द्वार तेरा। रे 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 सा चहूं द्वार तेरा। रे म प म प। सेकंड टाइम इस लाइन को थोड़ा अलग तरह से गाना है। चहूर मेरे घोर अंधेरा, भूल ना जाऊं, यहां से डिफरेंट है। द्वार तेरा रे म प म प ध। एक बार प्रभु ध ध ध ध ध ध ध प, हाथ पकड़ लो पनीनी प ध म प, पनीनी प ध म प। सेकेंड टाइम कैसे गाना है? एक बार प्रभु परे रे 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 सा, हाथ पकड़ लो सारे गारे सारे निसाधा। कितनी मीड़ है। थर्ड टाइम एक बार प्रभु ध ध ध ध ध ध ध प, हाथ पकड़ लो पधनी नी प ध म प। ये ऑफ बीट से लेना है। मन का दीप म प ध नि सा जलाओ, सा सा नि सा रे सा जला, नी कर्ण स्वर है। निधा प्रभु निधा ध प प, नैन हीन को राह दिखा प्रभु। इस गीत में जो ताल बज रही है वो है ताल कहरवा, जिसमें 8 मात्राएं होती हैं, और इस ताल का ठेका है धागे ना तिनक धिन। और ये गीत ताल की पहली मात्रा से ही शुरू होगा। ये गीत राग दरबारी कानड़ा पर बेस्ड है। तो आइए जाने राग दरबारी कानड़ा का राग परिचय। थाट है आसावरी, जिसमें ग ध और नी ये तीनों स्वर कोमल लगते हैं। इस राग में भी ग ध और नी ये तीनों स्वर कोमल लगे हैं। जाती है संपूर्ण षाडव, यानी आरोह में पूरे 7 स्वर लगेंगे और अवरोह में 6 स्वर लगेंगे। वादी स्वर जो सबसे ज्यादा गाया और दिखाया जाएगा वो है रे, और संवादी स्वर जो वादी स्वर से कम लेकिन अन्य दूसरे स्वरों से ज्यादा गाया और दिखाया जाएगा और जिस पे आप ज्यादा ठहर सकते हैं वो है प। तानपुरा इसलिए हमने मिलाया है सा प पर। समय है मध्य रात्रि। आइए देखें इस राग का आरोह अवरोह और पकड़। नि सा रे ग रे
वर्जित है, ध आरोह आत्मक रूप में ही लेना है। जैसे ये नहीं, साधनी पा, ये सही है। इसलिए जाती है संपूर्ण षाडव। अवरोह में 6 स्वरी लगेंगे, ध वर्जित है। साधनी पा मधनी रे रे सा धनी पा ग म रे सा। इन स्वर समूहों से कानड़ा अंग स्पष्ट होता है। न्यास के स्वर जहां आप रुक सकते हैं, रेस्टिंग प्लेसेस हैं ग ध और प। ग और ध पर ही आंदोलन करते हैं। ये राग एक गंभीर भाव का राग है और ज्यादातर चलन मंद्र और मध्य सप्तक में ही होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये गीत पसंद आया, आपको नोटेशन समझ में आ गए। फिर मिलेंगे एक नए गीत के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए और नए नए गीत सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। नमस्ते।